Hello boys and girls, this is CM Mohit Agarwal here. In this video, we are going to talk about applicability of the Companies Act 2013. अब आप बोलेंगे सर ये तो हमको आता ही है, सेक्शन वन में लिखा हुआ है। अरे भाई नहीं आता, पूरा वीडियो लास्ट तक देखोगे तब समझ में आएगा कि असली में कंपनीज एक्ट खाली कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, नॉन कंपनीज के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। सर्टेन कंडीशन आर सेटिस्फाइड। कंपनी क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, फॉरेन कंपनी क्या है, ये तीनों अलग अलग शब्द हैं। बहुत गहराई में जाकर के आपको ये समझना पड़ेगा, तब जाकर के आपका अच्छा कमांड आएगा। तो मेक श्योर यू आर वॉचिंग द वीडियो टिल लास्ट। मेरा ऑब्जेक्टिव है क्लास एनवायरमेंट को ही पूरा आपके घर पे लेकर के आना, और क्लास में ही आपको जो है घर बैठे ही जो है आपको पूरा याद करवा देना, समझा देना, रिविजन करवा देना। सो वॉच द वीडियो टिल वेरी लास्ट एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड इफ यू लाइक द कोर्स यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम फॉर अवेलिंग द लेक्चर्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैप्टर नंबर ये मेरे को लगभग समझ लो 4 क्लासेस लगेंगे, आज का क्लास को छोड़ करके और 4 क्लास। सो लिविंग टूडेज क्लास और 4 क्लास मेरे को लगेगा, हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर देंगे। चैप्टर 1 जो है ना इसका नाम है प्रिलिमिनरी। चैप्टर 1 का नाम बताओ, प्रिलिमिनरी। चैप्टर 1 इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी। इसमें केवल दो ही सेक्शन है, एक है सेक्शन 1 और एक है सेक्शन 2। आज हम सेक्शन 1 खत्म कर देंगे, नेक्स्ट क्लास हम सेक्शन 2 जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। कुछ लिखना नहीं है ना बाबा, ध्यान लगाओ। तो चैप्टर 1 इज प्रिलिमिनरी, इट कवर्स 2 सेक्शन, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, स्टार्टिंग विद सेक्शन नंबर 1। देखो कंपनी एक्ट में टोटल 470 सेक्शन है, बट इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम, तो एक आप समझ रहे हैं मतलब सेक्शन 1 के लिए कुछ होता था। 470 सेक्शन में ये सबसे पहला सेक्शन है। अब इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, इस सेक्शन में लिखा हुआ है कि आप इस कानून को क्या बुलाएंगे, क्या किस नाम से आप बुलाएंगे। ठीक है, सेक्शन 1 डील्स विद 4 थिंग्स, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कहां का एप्लीकेबल है, कमेंसमेंट कब से कमेंस होगा और अप्लाई किन किन कंपनीज के ऊपर करेगा। तो सेक्शन 1 डील्स विद 4 थिंग्स, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 1 डील्स विद शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। एक राज का बात बताते हैं हम आपको, कोई भी जब कानून आता है ना सबसे पहला उसका जो सबसे पहला सेक्शन रहता है ना वो यही चार चीज बताता है, शॉर्ट टाइटल क्या, एक्सटेंड क्या, कमेंसमेंट क्या, एप्लीकेबिलिटी क्या। जैसे तुमने इनकम टैक्स कानून पढ़ना चालू किया तो इनकम टैक्स में भी सेक्शन 1 सबसे पहले पढ़ा होगा तुमने। अरे इनकम टैक्स 961 में सेक्शन 1 तुमने सबसे पहले पढ़ा होगा, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, एप्लीकेबिलिटी। वैसे कंपनीज एक्ट 2013 का सबसे पहला सेक्शन 1, सेक्शन नंबर 1 डील्स विद 4 थिंग्स। अरे जैसे तेरा इनकम टैक्स एक्ट में कितना सेक्शन है बता टोटल, जैसे यहां कंपनी एक्ट में कितना सेक्शन है 470, इनकम टैक्स में कितना सेक्शन है, अरे अनाप सनाप सेक्शन है रे, कंपनी एक्ट में कितना है भाई, उसी से काम चलाओ। तो उसका सेक्शन नंबर कौन सा 1, चार चीज से डील करता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, एप्लीकेबिलिटी। सबसे पहले शॉर्ट टाइटल में लिखा गया दिस एक्ट विल बी कॉल्ड एज द कंपनीज एक्ट, जो हम तुमको कब से चिक चिक करके फर्स्ट क्लास से बोल रहे हैं। सबसे पहले तो लिखवाना ही सिखाए होंगे ना ये कि द लिखना, कंपनीज प्लूरल लिखना, अपोस्ट्रोफीस नहीं चलेगा, एक्ट का ए कैपिटल, सबका फर्स्ट लेटर क्या होगा कैपिटल, द का द टी कैपिटल, इसका सी कैपिटल, इसका ए कैपिटल, द कंपनी एक्ट 2013। ये बात कहां लिखा हुआ है, ये बात सेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि शॉर्ट टाइटल दिस एक्ट विल बी कॉल्ड एज द कंपनीज एक्ट 2013। टाइटल हो गया, फिर बताओ दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल ऑफ इंडिया। तलवार निकाल, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया। अच्छा एक बच्चा बोल रहा था समझ गए, अभी जो हमारे मोटा भाई अमित शाह ने ये किया है ना आज से कुछ महीनों पहले, 6-7-8 महीना, पता नहीं कितना महीना पहले, कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल जो 370 था उसको अमेंड कर दिया, हटा नहीं दिया, न्यूज चैनल में देखा करो, अमेंड कर दिया, आर्टिकल्स कैन नॉट बी रिमूव, दे कैन बी अमेंडेड। तो आर्टिकल 370 वाज अमेंडेड, तो अब तो सारे एक्ट जम्मू कश्मीर के, बेटा मेरे गांजा ये पहले से एप्लीकेबल था ऑल ओवर इंडिया, ये पहले भी ऑल ओवर इंडिया था, ये अभी भी ऑल ओवर इंडिया। वैसे जीएसटी है, जीएसटी एक्ट जो है ना वो पहले भी ऑल ओवर इंडिया था, अभी भी ऑल ओवर इंडिया। नहीं समझा, हाँ आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो था वो एप्लीकेबल था ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, अब इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर है, पहले जम्मू कश्मीर के ऊपर ये सब कानून एप्लीकेबल अब है, पर ये बेचारा तो पहले भी था,
कंपनीज एक्ट, जीएसटी एक्ट, ये सब पहले भी ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल था, क्योंकि पहले ना जम्मू कश्मीर को ना ऑप्शन मिलता था कि बट जम्मू कश्मीर हम लोग का पार्लियामेंट जो कानून बना रहा है वो आप लोग देख लीजिए, आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो फॉलो करिएगा, नहीं अच्छा लग रहा तो मत फॉलो करिएगा। अभी ऑप्शन उन लोग के पास नहीं, अरविंद श्योर। सो ये बेचारा का कोई कसूर नहीं है, ये पहले भी एप्लीकेबल था ऑल ओवर इंडिया, अभी भी एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। हाँ, कमेंसमेंट में तारीख बोला गया, बोला सेक्शन वन तो तुरंत आ जाएगा, सेक्शन वन विल बी एप्लीकेबल इमीडिएटली, सेक्शन वन विल बी एप्लीकेबल इमीडिएटली। जैसे याद करो 29 अगस्त 2013, अरे प्रेसिडेंट ने साइन किया था 29th of August 2013 और ओजी में छपा गया था 30 अगस्त को, 29 अगस्त 2013 को ये एक्ट जो प्रेसिडेंट ने साइन किया 30 अगस्त को छपा गया, तो 30 अगस्त से ही सेक्शन वन क्या हो गया एप्लीकेबल। बट सोचो ना यार, 470 सेक्शन क्या एक दिन में एप्लीकेबल कर देंगे, तो कोई कम नहीं सक सकेगा क्या, तुमको 470 सेक्शन एक दिन पढ़ा दे तुम फॉलो कर लोगे क्या? तो फिर तो इसलिए बोला गया डिफरेंट सेक्शन विल बी नोटिफाइड एट डिफरेंट डेट्स, रिपीट, डिफरेंट सेक्शन विल बी नोटिफाइड एट डिफरेंट डेट्स, डिफरेंट सेक्शन विल बी नोटिफाइड एट डिफरेंट डेट। तो 2013 का बात है, अभी हम लोग खड़े हैं 2020 में, तो ऑब्वियस बात है कितना साल हो गया, 7 साल, 7-8 साल हो गया, समझ में आ रहा है? तो अब तो कुछ भी ऐसा सेक्शन बाकी नहीं है। बट ये क्या एक बार में आ गया था पूरा कंपनीज एक्ट 2013 कि डिफरेंट डेट्स को आया था, क्योंकि सेक्शन वन ने ही बोला था कमेंसमेंट में कि सेक्शन वन विल कमेंस इमीडिएटली बट रिमेनिंग सेक्शन विल बी नोटिफाइड ऑन डिफरेंट डेट्स। ओके, फिर क्या है? सबसे पहले टेल मी द शॉर्ट टाइटल, टेल मी द शॉर्ट टाइटल, सेक्शन वन डील्स विथ हाउ मेनी थिंग्स, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एप्लीकेबल, शॉर्ट टाइटल इज कंपनी 2013, एक्सटेंड इज होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया कमेंसमेंट, एक सेकंड, शॉर्ट टाइटल कंपनी 2013 एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया कमेंसमेंट, सेक्शन वन विल कम इन टू फोर्स इमीडिएटली, रेस्ट सेक्शन ऑन डिफरेंट डेट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एप्लीकेबिलिटी, सुनो क्या होता है, एप्लीकेबिलिटी पढ़ा रहे हैं, आखिर ये किस किस के ऊपर, हाँ आखिर ये किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, ये सब सेक्शन वन में लिखा हुआ है, शॉर्ट टाइटल एक्शन कमेंसमेंट हो गया, अब एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी में सबसे पहले बोला गया इट इज एप्लीकेबल ऑन एवरी कंपनी, एवरी कंपनी, जो भी कंपनी है सबके ऊपर एप्लीकेबल है, एवरी कंपनी, एवरी कंपनी, क्लियर? अब समझो फॉरेन कंपनी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी, ओपन टू ऑल, क्या कंपनी होता है? अरे बोलो यस और नो, यस। अब जिन लोग फाउंडेशन में अच्छा परवरिश हो रखा है, बेहतर हम लोग इंटर का चीज फाउंडेशन में पढ़ लेता है, हाँ तुम बता कौन कंपनी कंपनी है? अरे कंपनी तो है, हाँ इसको कुछ भी बोल दो ये कंपनी तो है ही, मेडिया कंपनी नहीं है। जिन लोग का मेरे पहले पढ़ा हुआ है थोड़ा शांति बनाए रखो, जो सीएस प्रोफेशनल वाला बच्चा लोग बैठा उन लोगों तो हम लोग जानते हैं, इट इज एप्लीकेबल ऑन एवरी कंपनी, तो उस हिसाब से तो फॉरेन कंपनी भी कंपनी है, आंसर इज फॉरेन कंपनी कंपनी होता ही नहीं, जो फॉरेन कंपनी होता ना वो कंपनी होता ही नहीं। किन लोग की बात समझ में नहीं आ रहा अभी भी, जबरदस्ती का हां मत बोलना, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो समझाएंगे हम, फुल एंड, और भोजन को नहीं समझ आना चाहिए, मां सरस्वती देख रही बेटा झूठ बोलोगे बेटा 25-30 कम, फुल एंड, फुल एंड, फुल एंड। मेरा सवाल है, मेरा जवाब है, कौन कंपनी जो है ना कंपनी नहीं होता। हाँ थोड़ा जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा क्या बोल रहे हैं, गांजा पान कर लिया है क्या? फुल एंड हाल देखो बैठ, हाथ उठा कर फुल एंड,
पुल ऐसे क्या बाबा बनने वाले हो? पुल एंड कौन कंपनी नहीं होगा? पूछो क्यों? हा, क्योंकि कंपनी का एक डेफिनेशन दिया गया है। पहले वो समझो कंपनी का डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लॉज 20। डेफिनेशन के बाद जो भी रहता है उसको क्या बोलता है? क्लॉज। डेफिनेशन के बाद सबसेक्शन नहीं बोलते, डेफिनेशन के बाद क्या बोलता है? क्लॉज। तो सेक्शन 2 क्लॉज, यू विल कम अक्रॉस पर्संस, जिन लोग ना सेक्शन के बाद सबसेक्शन बोलते हैं, यू विल कम अक्रॉस द पर्संस। मैं सबको सुधारने का ठेका नहीं ले रखा हूं, मैं अपने बच्चों को सुधारने का ठेका ले रखा हूं। तो ये सेक्शन है, ये डेफिनेशनल सबसेक्शन नहीं होते हैं, डेफिनेशनल क्लॉजेस होते हैं पक्का। और जैसे जिन लोग फाउंडेशन या इंटर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट का जो डेफिनेशन है, सेक्शन 2 ब्रैकेट में सबसेक्शन एच बोल करके पढ़ता था, क्लॉज है चाहिए। लेकिन तुम्हारा बहुत सारा तुम लोग यू मस्ट हैव कम अक्रॉस पर्सन सेक्शन 2 सबसेक्शन एच बोल रहा है, वो सबसेक्शन एच नहीं है, क्लॉज एच है। उसको समझाने जाओगे वो नहीं समझेगा, भाग जाना तुम वहां से। डेफिनेशन सबसेक्शन नहीं होता, डेफिनेशनल क्लॉजेस होते हैं। अभी कंपनी का डेफिनेशन समझो, फॉरेन कंपनी कंपनी नहीं है। अब कंपनी क्या है? कंपनी का डेफिनेशन दिया गया लॉ मेकर्स द्वारा, सेक्शन 2 क्लॉज 20 के बाद समझाएंगे, ध्यान लगाओ। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20, कंपनी मींस, अपने ना जीभ पर कंट्रोल करो, जवां पर कंट्रोल करो। कोई भी डेफिनेशन आएगा ना, या तो वो मीन से आएगा या इंक्लूड से आएगा। कोई भी डेफिनेशन या तो मीन से स्टार्ट होगा या फिर इंक्लूड से। अपना कारस्तानी और बुद्धि मत लगाना, कलाकारी मत दिखाना। कंपनी में भी डिफाइंड एज, कंपनी इज, कंपनी डैश देकर के चलो। लॉ चेंज हो जाता है, कानून चेंज हो जाता है। अभी कुछ बच्चों को लग रहा है यार यार मोहित भैया ना एकदम ना मोहित सर ना बहुत ज्यादा मतलब एक एक चीज को लेकर के पॉजिटिव होते जा रहे हैं। मींस में इंक्लूड में क्या फर्क है यार? डैश देकर के लिखते क्या दिक्कत है यार? बचपन से हम लोग मे भी डिफाइंड एज, थोड़ा डेफिनेशन अपने आप बड़ा हो जाता है, बात का चीज नहीं आता, मे भी डिफाइंड एज। बेटा आंसर काट करके फेंक दिया जाएगा, फिर बोलोगे वीडियो बनाओ प्रोटेस्ट करो। पहले अपने आप को सुधारो, तुम सही हो तब ना प्रोटेस्ट हो, तुम ही गलत हो तो काय का प्रोटेस्ट। कंपनी सेक्शन 2 कंपनी मींस, ओह रुक जाओ इस शब्द में, मीन्स मतलब होता है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, रेस्ट्रिक्टिव एंड एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव, एग्जॉस्टिव एंड पत्थर का लकीर है ये, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। इट इज नॉट अ लूजली डिफाइंड वर्ड, मीन्स एग्जॉस्टिव, यू कैन नॉट एक्सटेंड इट, यू कैन नॉट इंटरप्रेट बियॉन्ड इट, इट्स फुल्ली एग्जॉस्टिव रेस्ट्रिक्टिव, यू विल हैव टू स्टे विद इन द डेफिनेशन। पत्थर का जहां मींस बोल दिया वो क्या हो गया? जहां मींस शब्द बोल दिया वो हो गया पत्थर का लकीर। मतलब वो अमिताभ का डायलॉग था ना, वो कह दिया ना बस मींस। और कोई भी डेफिनेशन जब इंक्लूड से आएगा क्या आएगा? हाँ तो पत्थर का लकीर नहीं है, वो डेफिनेशन के नंबर धब्बा है। इंक्लूड मतलब बोला ये भी है, मतलब इट इज एक्सटेंडेबल कि नॉट एक्सटेंडेबल? एक्सटेंडेबल, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव, मींस एग्जॉस्टिव, नॉट एक्सटेंडेबल, रेस्ट्रिक्टिव। मींस मतलब होता है एग्जॉस्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव, वी कैन नॉट एक्सटेंड इट। इंक्लूड्स, इंक्लूड्स, एक्सटेंडेबल, यू कैन एक्सटेंड इट। ये क्या पत्थर का लकीर है क्या? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 20, कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी, मीन्स अ कंपनी। अब जो हंस रहे वो गधा लोग है। आप लोग का गलती नहीं है, कुछ टीचर लोग भी ऐसे ही पढ़ा रहे, क्या लिखा कंपनी से ये क्या है? यही गहराई है इसमें, बहुत जबरदस्त गहराई है। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी मीन्स अ कंपनी
कंपनी मींस, कंपनी मींस, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ. कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ. MEPL क्या इस एक्ट में पैदा हुआ? MEPL क्या कंपनी एक्ट 2013 में पैदा हुआ? दिस एक्ट मतलब द कंपनी एक्ट 2013 क्या मोदी टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड द कंपनी एक्ट 2013 कि 1946? तो क्या हम कंपनी का डेफिनेशन सेटिस्फाई करते हैं? हाँ, प्रीवियस कंपनी लो. नहीं समझा? सो बिकॉज आई सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ कंपनी दैट इज आई एम ट्रीटेड एज अ कंपनी. Not talking about. सुनो, फॉरेन कंपनी क्या होता है? सुन लो, फॉरेन कंपनी क्या इस एक्ट में पैदा होता है? फॉरेन कंपनी का खुद का डेफिनेशन दिया गया सेक्शन 2 क्लॉज 42 में. ये सब क्लॉज नंबर याद करना मैंडेटरी है. एक बच्चा बोलेगा सर खाली सेक्शन नंबर याद कर लेता है ना, सेक्शन 2. जो भी डेफिनेशन आएगा सेक्शन 2. फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 42. फॉरेन कंपनी या तो मींस बोलेगा या इंक्लूड, इसके अलावा कुछ बोलेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा. फॉरेन कंपनी, अब यहां इंक्लूड नहीं बोल देना, या तो मींस बोल दिया गया ना. हम बोले थे अगर कभी तुक्का लगाना पड़ गया तो या तो मींस या फॉरेन कंपनी. मींस अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट. फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी और फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट incorporated outside India. Foreign company means a company or body corporate incorporated outside India and having a place of business. Having a foreign company means a company. Foreign company means a company or body corporate incorporated. Foreign company means a company incorporated outside India. But having a place of business in India, either physically or electronically. धंधा इंडिया में करता है या तो physically या फिर आजकल तो ऑनलाइन का भी धंधा होता है electronically. Either itself or agent. चार चीज, either physically or electronically or itself or through an agent. Or conducts any business activity in any other manner. Conducts any business activity in any other manner. Foreign company means a company. Foreign company means a company incorporated. Incorporated outside India and having a place of business in India, either physically, electronically, itself, or agent, or conducts any business activity in any other manner. Are we through with this? Now you tell me, हमारे company का definition क्या होता है? Section 2, clause number 20. Company means a company. Company means a company incorporated this act. Company means a company incorporated this act. This act or under any previous company law. Foreign company क्या companies act 2013 में पैदा हुआ है? Foreign company क्या the companies act 2013 में पैदा हुआ है? बोलना. Foreign company का definition क्या? Incorporated. So if a foreign company is incorporated, US में incorporated हुआ तो US का law के हिसाब से हुआ होगा. London में हुआ तो London के कानून के हिसाब से हुआ होगा. It is incorporated. So it is not incorporated as per our act or previous company law. It does not satisfy. Foreign company क्या फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेट दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ है? बिकॉज फॉरेन कंपनी हैज नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ, इट फेल्स टू सैटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ कंपनी. बिकॉज फॉरेन कंपनी फेल्स टू सैटिस्फाई दिस डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 20, सो फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी की नॉट अ कंपनी. क्योंकि कंपनी कौन है? कंपनी कौन है जो इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुआ है या प्रीवियस कंपनी लॉ? फॉरेन कंपनी ना ही इस एक्ट में पैदा हुआ है ना ही प्रीवियस कंपनी लॉ. फॉरेन कंपनी फेल्स टू सैटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ कंपनी, दैट इज इट इज नॉट अ कंपनी. और तभी थोड़ा बुद्धि लगा, एप्लीकेबिलिटी लिखा हुआ एवरी. एप्लीकेबिलिटी मतलब द कंपनी एक्ट 2013, ये कानून किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? कंपनी एक्ट 2013 वाला जो कानून है किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? एवरी कंपनी के अंदर क्या फॉरेन कंपनी आएगा? क्यों यहां तो एवरी लिखा हुआ है? सर कंपनी भी तो लिखा हुआ है. फॉरेन कंपनी कंपनी नहीं है. और थोड़ा बुद्धि लगा, हमारा एक्ट क्या फॉरेन कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड एक्ट है हमारा. तब सोच आई बच्चे कहां से आ रहे हैं? इंडिया से. ए ऑब्सेशन लोग हाथ उठाओ, कहां से? बिहार से. ए ऑब्सेशन लोग कहां गया? बोकारो, उड़ीसा,
जो इंडिया में एप्लीकेबल है यार, तब ना सीखने आ रहे हैं, नहीं तो कल को यहाँ लंदन का बच्चा बैठा रहता, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, अलग अलग बच्चे। क्या ये फॉरेन कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है? बिकॉज वो कंपनी, मतलब सोचा हम लोग इतना पावरफुल हो जाएंगे क्या, हम लोग कानून बनाएंगे भारत में, पूरा विश्व में सब लोग ये फॉलो करें, वो पावर नहीं है। क्लियर है क्या? श्योर? ए तुमको समझ आया? श्योर? कम ऑन द पोडियम। क्या हमारा कंपनी से 2000 से एप्लीकेबल है एवरी कंपनी? यस सर, करेक्ट। इस फॉरेन कंपनी या कंपनी? नो। शाबाश। क्या कंपनी से 2000 से एप्लीकेबल है फॉरेन कंपनी? नो। शाबाश। अब वार्म अप खत्म। अब दो तो क्वेश्चन को पार्टिसिपेट करना चाहेगा, दो क्वेश्चन में दोनों सही हुआ तो 500 रुपए का बताया सब आदू डाल पहले इसी से पूछेंगे, बताना दो क्वेश्चन दोनों का दोनों सही होना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा नहीं कि ट्रिक पूछेंगे। सर ये सब बता दिया ना? हाँ। मान लो एक लंदन में कंपनी है, लंदन में कंपनी है, पक्का? क्या वो फॉरेन कंपनी है? यस सर। नो, बैठो। फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, एंड हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। जैसे क्या होता है ना, हम लोग फिरंगी लोग को देख करके बोल दे वो फिरंगी फिरंगी फिरंगी, वैसे आप कंपनी को नहीं देख करके बोल सकते, कंपनी को आप वैसे देख करके नहीं बोल सकते। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है आउटसाइड इंडिया, अभी वो फॉरेन कंपनी नहीं। कब होगा फॉरेन कंपनी? जब इन दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, अदर फिजिकल इलेक्ट्रॉनिकल इटसेल्फ और एजेंट और कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन एनी अदर मैनर। पक्का? लंदन में एक कंपनी है, उसका हिंदुस्तान से कोई संबंध नहीं है, लंदन में खाली कंपनी खोल करके बैठे, क्या वो फॉरेन कंपनी है? जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। इज इट अ फॉरेन कंपनी? नो, बिकॉज इट इज नॉट हैविंग एनी प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ओके, अच्छा मान लो कुछ ऐसा, लंदन में कंपनी है, उसका यहां पर ना खाली एक शेयर ट्रांसफर ऑफिस है, शेयर ट्रांसफर ऑफिस समझ में आता है, जो शेयर ट्रांसफर को रजिस्टर करे, उसका और कोई धंधा पानी नहीं है। लंदन का कंपनी इज हैविंग अ शेयर ट्रांसफर ऑफिस इन मुंबई, इज इट अ फॉरेन कंपनी? यस। एनी अदर एक्टिविटी इन एनी अदर मैनर में शेयर ट्रांसफर ऑफिस भी कवर्ड हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो भले ही आपका लंदन में ही सारा काम काज हो रहा है, लेकिन अगर शेयर ट्रांसफर ऑफिस भी यहां पर आपका मुंबई में है, तो आपका फॉरेन कंपनी माना जाएगा। Are we through with this? Sure. तो सर क्या फॉरेन कंपनी कंपनी है? इस फॉरेन कंपनी का कंपनी, हाँ, इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट ना एक बहुत ही ब्रॉडर शब्द है, सुनो, बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी हो फॉरेन कंपनी हो, सब के सब बॉडी कॉर्पोरेट के कैटेगरी में आते हैं। सर बॉडी कॉर्पोरेट बताइए ना क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 11 बोलो, सेक्शन 2। और एक चीज याद रखना, जितना भी डेफिनेशन है ना सब अल्फाबेटिकली दिया गया है, पहले सर ए वाला डेफिनेशन है, फिर सर बीबीबी वाला, फिर सर सीसीसी वाला। तो अगर मान लो तुमको ये याद है, क्लॉज 20, मान लो हम तुमसे एमसीक्यू खेल रहे हैं, क्लॉज 20, 11 और 42, ठीक है? नहीं समझा? अब तुमको ये तो पता है, हाँ यार इनमें से कुछ कंपनी का है, कुछ फॉरेन कंपनी का और कुछ बॉडी कॉर्पोरेट। हम देखो तुमको बोले ये तीन क्लॉजेस है, इसमें से कौन सा क्लॉज कंपनी का है, कौन सा क्लॉज बॉडी कॉर्पोरेट का है, कौन सा क्लॉज फॉरेन कंपनी? ए बी सी, कंपनी सी से चालू होता है, बॉडी कॉर्पोरेट बी से, पहले क्या है? तो क्लॉज ये बॉडी कॉर्पोरेट का हो गया। नहीं समझ आया? ये बॉडी कॉर्पोरेट का हो गया क्लॉज 11, फिर कंपनी और फॉरेन कंपनी बता, पहले क्या चालू था? ये कंपनी का हो गया फॉरेन कंपनी। अरे बुद्धि में जा रहे क्या बोल रहे हैं? सारा डेफिनेशन क्या है? अल्फाबेटिकली है। हाँ सेक्शन 2, हाँ
डिफाइंस किसको? बोला बॉडी कॉर्पोरेट, ध्यान से सुनना, बोला बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी, बोला बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, हाँ बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स है, एग्जॉस्टिव नहीं है, इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑफिस। अरविंद प्रभु श्योर, एक बात बताओ क्या ये डेफिनेशन दे रहा है बॉडी कॉर्पोरेट का? नहीं, इसे बॉडी कॉर्पोरेट क्या हो रहा है तो पता ही नहीं चल रहा, खाली बोला बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स वो, बट खुद बॉडी कॉर्पोरेट क्या, इट हैज नॉट बीन डिफाइंड। तो आखिर खुद बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है समझो, कंसेप्ट समझो पहले बॉडी कॉर्पोरेट का। ऐसा कोई भी एंटिटी जिसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब वो चलते रहेगा इंफिनिटी तक, एनी एंटिटी हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, मतलब मेंबर मर गया तो वो एंटिटी मरने वाला नहीं है, मेंबर का लाइफ से एंटिटी का लाइफ का कॉल आना जाना नहीं। सो एनी एंटिटी हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, एनी एंटिटी हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट एंटिटी परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट एंटिटी राइट टू यूज अ कॉमन सील, हालांकि कंपनी कॉमन सील यूज करे ऑप्शनल है, जरूरी तभी तो क्या बोल रहे हैं, राइट राइट टू यूज द, हम कॉमन सील यूज करना चाहे तो राइट टू यूज द कॉमन सील, पक्का सुनो, एनी एंटिटी हैविंग परपेचुअल सक्सेशन सेपरेट एंटिटी पावर टू यूज द कॉमन सील, पावर टू अक्वायर होल्ड ट्रांसफर, पावर टू अक्वायर होल्ड ट्रांसफर प्रॉपर्टी बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, पावर टू सीव यानी केस करना एंड बी सीव्ड मतलब केस हो जाना बाय इट्स ओन नेम ऑन इट्स ओन नेम। तो ऐसा हर कोई एंटिटी जिसका परपेचुअल सक्सेशन रहता है, सेपरेट एंटिटी रहता है, कॉमन सील यूज करने का राइट रहता है, ध्यान लगा, एनी एंटिटी हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, एनी एंटिटी हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट एंटिटी राइट टू यूज द कॉमन सील, पावर टू अक्वायर होल्ड डिस्पोज, अक्वायर होल्ड डिस्पोज प्रॉपर्टी बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल, राइट टू सीव टू बी सीव्ड ऑन इट्स ओन नेम, ऐसे एंटिटी को हम लोग बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। लास्ट बेंच, ध्यान नहीं लगा रहे तुम, उड़ीसा, उड़ीसा से हो, खड़े हो, उड़ीसा से हो ना, तो ध्यान क्यों नहीं लगा रहे हो, अरे बैठाओ उसको, अजीब इंसान है, ध्यान ही नहीं लगाता है, तू क्लास में क्यों आ रहा है, और यहां देखो ये बच्चा उड़ीसा का था, कहां गया, ये बच्चे उड़ीसा की थी, कितनी एकदम ध्यान लगा करके सुन लीजिए, और तुम तारे समंदर की तरह कर रहे हो, बताओ खड़े हो, बॉडी कॉर्पोरेट बताओ क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, यस ध्यान लगाओ रे बाबा, तो बॉडी कॉर्पोरेट सुन आ रहा है जिसका सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, अरे सेपरेट एंटिटी परपेचुअल सक्सेशन राइट टू यूज अ कॉमन सील पावर टू अक्वायर होल्ड डिस्पोज प्रॉपर्टी बोथ मूवेबल इमूवेबल टैंजिबल इनटैंजिबल पावर टू सीओ एंड बी सीओ बाय इट्स ओन नेम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। अरविंद प्रभु दिस, क्या मोहित अग्रवाल बॉडी कॉर्पोरेट है? नहीं, परपेचुअल सक्सेशन है क्या? नहीं, अरे तुम्हारा भी नहीं है परपेचुअल सक्सेशन, चलते जाओगे जीवन भर, सुनाया क्या MEPL मोहित डॉटकॉम प्राइवेट लिमिटेड क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ, मेंबर लोग आएंगे जाएंगे, नहीं सुनाया, बट कंपनी तो रहेगा, अरे नहीं सुनाया, आज MEPL में हम है, नहीं 15-20 साल तक तो हम ही रहेंगे, कल को फिर मान लीजिए आप आ जाए MEPL में, नहीं सुनाया, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, तो वो तो MEPL का तो परपेचुअल सक्सेशन है, यू अंडरस्टैंड, वो तो चले गई, तो वो था बॉडी कॉर्पोरेट। अब ये सेक्शन 2 क्लॉज 11 क्या घटिया डेफिनेशन दिया, बोला बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। अब MEPL को धक्का लग गया, MEPL को बोला बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, तो रिलायंस बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, मोहन टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, MEPL बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, RIL बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, हाँ
ये कैसा बात कर रहा है, बोला कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, तो आरआईएल मेरा मोटा भाई का कंपनी आरआईएल, मेरा कंपनी एमईपीएल, हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो बोला नहीं हम लोग को सर, वो इंक्लूड बोला है सर, आप बढ़ाइए ना सर, नहीं सर मैं आप भी हैं आरआईएल भी है, अरे एमईपीएल आरआईएल दोनों बॉडी कॉर्पोरेट है, जिसके ऊपर डाउट होता है शक होता है उसके लिए बोला गया, बोला यार लोग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया को कंपनी तो नहीं मानते, कंपनी तो वही होता है जो इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस, तो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया कंपनी तो नहीं, क्या बॉडी कॉर्पोरेट है कि नहीं है, डाउट दूर करने को बोले हाँ वो बॉडी कॉर्पोरेट है, नहीं समझाया, जैसे अगर हम बोले कुछ गलत बोल रहे हैं क्या, ह्यूमन बींग्स इंक्लूड्स बॉयज, कुछ गलत है, ह्यूमन बींग इंक्लूड्स बॉयज गलत है, ये दीदी लोग मोर्चा वोर्चा निकालना चालू कर, बोला हम लोग क्या इंसान नहीं दिखते, जानवर है हम लोग, दीदी ह्यूमन बींग इंक्लूड्स बॉयज बोला गया, यार चिल मारो यार, तुम लोग तो हो ही, जिसको डाउट रहेगा उसको ना बोलेंगे, नहीं बहुत लोग बोलते हैं ना ऑल मैन आर डॉग, नो ह्यूमन बींग इंक्लूड्स मैन, डाउट दूर करने के लिए, अरे समझ में आया, अरे श्योर, तो जहां इंक्लूड्स है आप उसको पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते, हाँ क्या सारे के सारे कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होते हैं, अरे ऑल कंपनीज है परपेचुअल सक्सेशन सेपरेट एंटिटी, सो ऑल कंपनीज आर, बट बॉडी कॉर्पोरेट है बहुत ही ब्रॉडर टर्म, सारे कंपनीज तो बॉडी कॉर्पोरेट है लेकिन नॉन कंपनीज भी तो हो सकते हैं बॉडी कॉर्पोरेट, जिनका सेपरेट एंटिटी परपेचुअल सक्सेशन राइट टू यूज कमनशिप पावर टू पावर टू बी सूड अक्वायर होल्ड डिस्पोज प्रॉपर्टी मोबाइल मोबाइल टैंजिबल इंटैंजिबल, वो भी तो बॉडी कॉर्पोरेट है, जैसे सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सुने हो सेबी स्टॉक मार्केट का बाप कौन, सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये देखता है भारत में कंपटीशन ठीक से हो रहा है ना, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सेबी हो गया सीसीआई हो गया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोलो ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलो ना, दीज आर ऑल कंपनीज की नॉन कंपनी, सेबी कंपनी है बे, सीसीआई कंपनी है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लो कंपनी, बट इन सबका सेपरेट एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, राइट टू यूज कॉमन सील अबाउट टू अक्वायर होल्ड डिस्पोज प्रॉपर्टी मोबाइल मोबाइल टैंजिबल इंटैंजिबल अबाउट टू एंड टू बी सूड है, दीज आर ऑल बॉडी कॉर्पोरेट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दे आर नॉन कंपनी स्टिल दे आर बॉडी कॉर्पोरेट, सो ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट, हाँ बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट आर नॉट कंपनीज, देयर मे बी नॉन कंपनीज ऑल्सो लाइक दिस, बॉडी कॉर्पोरेट एक बड़ा टर्म है, कंपनी उसका एक टाइप है, सो ऑल कंपनीज आर बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट आर, अरे विद दिस अब हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेबिलिटी, वहीं से ये सर बात चालू हुआ, और वहीं पर चलते हैं, इट इज एप्लीकेबल ऑन फोन कंपनी को भी ठोक दे क्या, तो एवरी कंपनी लिखा है, क्या फोन कंपनी कंपनी नहीं है, फोन कंपनी इज नॉट अ कंपनी, बिकॉज कंपनी का डेफिनेशन दिया गया सेक्शन 2 क्लॉज 20, कंपनी मींस अ कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी, फोन कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड सो इट डज नॉट सैटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ कंपनी, पक्का सुनो मेरा क्वेश्चन है, क्या हमारा द कंपनी एक्ट 2013 बैंकिंग कंपनी इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को भी एप्लीकेबल होगा, हाँ हाँ भले उनका खुद का भी एक्ट है बट फिर भी हमारा कंपनी एक्ट भी उनके ऊपर एप्लीकेबल है, बैंकिंग कंपनी इंश्योरेंस कंपनी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बैंकिंग कंपनी इंश्योरेंस कंपनी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, लेकिन हाँ यहां पर यह जरूर बोल दिया गया ओनली टू द एक्सटेंट ओनली टू द, हमारा जो द कंपनीज एक्ट 2013 है इट इज एप्लीकेबल ऑन बैंकिंग कंपनी इंश्योरेंस कंपनी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ओनली टू द एक्सटेंट इट्स नॉट इनकंसिस्टेंट विद देयर ओन स्पेसिफिक एक्ट, ओनली टू द एक्सटेंट इट्स नॉट इनकंसिस्टेंट विद देयर ओन स्पेसिफिक एक्ट, हम लोग एप्लीकेबल होंगे बैंक के ऊपर इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ऊपर केवल उतना ही हद तक जब तक हम लोग इनकंसिस्टेंट नहीं है उनके खुद के एक्ट से, ओनली टू द एक्सटेंट इट इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद देयर own specific act, only to the extent it is not inconsistent with their own
जैसे बैंकिंग कंपनी का खुद का एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ये कंपनी से फॉलो करेगा कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 फॉलो करेगा? दोनों दोनों। लेकिन जहां पर तकरार हो जाए कंपनी से एक्ट, सेम मैटर के ऊपर कंपनी से एक्ट में कुछ और लिखा हुआ है, उनका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में कुछ और लिखा हुआ, तो खुद का एक्ट फॉलो करेंगे पक्का। ये बात सेक्शन 1 में पहले से लिखा हुआ है कि हम लोग इन लोग के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे, ओनली टू द एक्सटेंट इट इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद देयर ओन स्पेसिफिक एक्ट्स। क्लियर है क्या दोस्तों? क्या बैंकिंग कंपनी कंपनी है? कंपनी है, इसलिए उसके ऊपर कंपनी एक्ट भी एप्लीकेबल होगा और उनका जो स्पेसिफिक एक्ट है वो भी एप्लीकेबल होगा। किसी मैटर पर तकरार हो गया तो उनका स्पेसिफिक एक्ट को फॉलो करेंगे। वैसे इंश्योरेंस कंपनी का खुद का एक्ट है, दो ठो एक्ट है इसका, इंश्योरेंस एक्ट 1938, बोलो इंश्योरेंस एक्ट 1938 एंड IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। एक है इंश्योरेंस एक्ट 1938 और एक है IRDA 1999। इंश्योरेंस एक्ट 1938 इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी 1999। हाँ तो ठीक है, वो भी वो फॉलो करेंगे, हमारा कंपनी तक भी फॉलो करेंगे, जहां तकरार हो गया अपना फॉलो करें। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 भी फॉलो करेंगे, हमारा कंपनी का 2003 भी फॉलो करेंगे, जहां टकरार हो गया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 ही जाएगा। अभी थ्रू विद दिस, वैसे अगर कल को कोई और कंपनी आ गया, एनी अदर कंपनी, बोलो फॉर्म्ड अंडर स्पेशल स्टैट्यूट, जैसे इन लोग का अलग अलग एक्ट है ना, वैसे कल को कोई दूसरा कंपनी पार्लियामेंट ने बना दिया अंडर सेपरेट एक्ट, क्या उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा? हाँ, बट अगर टकरार हो गया तो उसका स्पेसिफिक एक्ट जीतेगा। तो अगर कोई दूसरा कंपनी भी बना दिया पार्लियामेंट फ्यूचर में गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, एनी कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, तो भी हमारा कंपनी एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ओनली टू द एक्सटेंट इट इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद इट्स ओन स्पेसिफिक एक्ट। मक्खन एकदम, ये जो बता रहे हैं ना, जो अभी हम बताने वाले हैं ना, तुम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग CS CMA क्वालिफाइड, जो लोग प्रोफेशनल बन चुके हैं, आर्टिकल शिफ्ट करने जाओगे अपने बॉस का फिर के लिए सकते हो, ये जो बता रहे हैं, ये राम माने बता रहे हैं। ऐसे ही कैजुअली पूछना, सर ये जो तो कंपनी से 2013 है, ये होगा तो कंपनी के ऊपर ही एप्लीकेबल कि नॉन कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा? मजा का बात है, नॉन कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा, पांव तले जमीन खिसक जाना चाहिए, क्या बोल रहे हैं? ये जो तो कंपनी से 2013 है ना, नॉर्मल लोगों को लगता है, जिन लोग रिसर्च नहीं करके रखते हैं, खाली कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, नाम में तो कंपनी से एक्ट है, नाम में ही तो कंपनीज है, तो कंपनीज ही तो होगा। पॉइंट नंबर 6 जो है ना इसका, पांव तले जमीन खींच लेगा, बोला जरूरी नहीं है कंपनी हो, ये कंपनी एवरी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, बैंकिंग इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी फॉर्म बाय स्पेशल स्टैट्यूट, कंपनी फॉर्म बाय स्पेशल स्टैट्यूट, इसके अलावा बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय CG, बोलो ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जो CG बोल दिया कि तुम फॉलो करो कंपनी एक्ट, उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। सो रियल लाइफ में है? हाँ है। ये दो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आर दोज टू बॉडी कॉर्पोरेट्स विच आर नॉट कंपनीज बट दे हैव बीन नोटिफाइड बाय CG। भारत सरकार ने बोला तुम लोग के लिए कोई दूसरा कानून क्या बनाए, कंपनीज एक्ट जो बनाया हुआ वही फॉलो कर लो, नहीं सुनना है। तो ये लास्ट पॉइंट सुनना है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ट्रिकी है, मतलब नाम है तो कंपनी एक्ट 2013, 99.99% दुनिया को यही लगेगा कि यार ये तो कंपनी लोग के लिए एक्ट है, मजा के बात ये नॉन कंपनीज को भी फॉलो करना पड़ सकता है इफ नोटिफाइड बाय। क्या सेबी के ऊपर एप्लीकेबल है? क्या सेबी बॉडी कॉर्पोरेट है? बट नोटिफाइड बाई ये एक्ट, कंपनी एक्ट 2013 उसी बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर अप्लाई होगा, नोटिफाइड बाई CG। सर एग्जांपल है क्या? FCI एंड HAI, ये कंपनी है कि नॉन कंपनी? इन लोग कंपनी, बट सिंस दे आर बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाई CG, तो कंपनी एक्ट दे विल हैव टू फॉलो, दे आर ऑल्सो बॉडी कॉर्पोरेट, सेबी NCCI, बट दे हैव नॉट बीन नोटिफाइड बाई CG। इनके लिए तो खुद का कानून है रे, इसका कंपटीशन एक्ट 2002, इसका सेबी एक्ट 1992। अरे थ्रू विद दिस पूरा एपिसोड क्लियर है? दिस कंप्लीट्स माय एग्जॉस्टिव लेक्चर ऑफ सेक्शन 1। सेक्शन 2 सर वो 4 क्लास का है, आज सेक्शन 1 खत्म हुआ, मार्क करके खत्म करो। थोड़ा फास्ट कम वेरी फास्ट।
सेक्शन वन आ सेक्शन वन सबसे पहले देखिए यूनिट वन प्रीफेस दिखाई दिया क्या, इसमें वही सारा बात लिखवाया हुआ है जो हमें इंट्रोडक्शन में आपको बताए थे कि द न्यू लॉ दैट इज कंपनी एक्ट इज अ रूल बेस्ड लेजिस्लेशन, मतलब इसमें बहुत सारे रूल्स भी है। कितने सेक्शन है बताओ, 470 सेक्शंस को हाईलाइट कर देना, 7 शेड्यूल्स को हाईलाइट कर देना, 29 चैप्टर्स, 470 सेक्शन, 7 शेड्यूल्स, 29 चैप्टर्स, एम्स टू इंप्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये भी बताए थे ना तुम लोग को इंट्रो में, बताए थे ये कानून क्यों लाया गया है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए, सिंपल करने के लिए रेगुलेशन, माइनॉरिटी लोग चिल्लर लोग को बचाने के लिए, स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर, व्हाट इन्वेस्ट स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर, छोटा छोटा चिल्लर जैसा इन्वेस्टर लोग को बचाने के लिए, गरीब लोग का रक्षा के लिए। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेट्स द रोल ऑफ विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर क्या करता है समझा, कंपनी में जो अनएथिकल इलीगल प्रैक्टिसेस चलता है जाकर के भंडा फोड़ देता है। एक क्लासिक एग्जांपल इंफोसिस, इंफोसिस में उन लोग उसी का एम्प्लॉय लोग ने इंफोसिस का बैंड बजा दिया ये बोल करके, और जो सीईओ है ना और जो सीएफओ है ना दोनों पापी हैं, अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते हैं, और सिग्नेचर में क्या लिखा, योर एथिकल एम्प्लॉय, जैसे हिंदी पिक्चर में आपका शुभचिंतक बोलता है ना, बोला योर एथिकल एम्प्लॉयज, नहीं समझ आया, सी और सीएफओ के ऊपर इल्जाम लगा दिया था इंफोसिस, इंफोसिस का एथिकल एम्प्लॉयज ने, विसल ब्लोअर्स ने, एज अ रिजल्ट ऑफ जिस इल्जाम लगाया था अगला दिन 16% शेयर क्रैश, 16% शेयर क्रैश। अच्छा विसल ब्लोअर कौन है पता चलेगा, नहीं पता चलता तो अब अंधेरे में तीर चलाने बराबर है, कोई दुखी आत्मा ही ने किया होगा ना। तो अगला दो दिन बाद इंफोसिस का बोर्ड ने डिसाइड किया एम्प्लॉय लोग के लिए थोड़ा प्रमोशन वगैरह किया जा रहा है, मिड लेवल एम्प्लॉय लोग को इंसेंटिव दिया जाएगा, नहीं समझाया, ताकि और कोई विसल ब्लोअर नहीं निकल जाए, नहीं समझाया, तो इंसेंटिव दिया जाएगा उन लोग को, शेयर दिया जाएगा, स्टॉक ऑप्शन दिया जाएगा, ये सब अंधेरे में तीर चलाना। अगर विसल ब्लोअर खुद आकर के बोल दे उसको दो चीज करेगा, दो में से कोई भी एक चीज, या तो या फिर यू अंडरस्टैंड, पहला चांस ज्यादा नहीं, एक दो जन को इंसल्ट आना यार, बड़ो। अब इसमें चार चीजें सेक्शन वन में, टाइटल एक्सटेंड कंसर्न एप्लीकेबिलिटी, सबसे पहले टाइटल, द कंपनी एक्ट 2013 दिखा क्या, कितना सुंदर से बॉक्स बनाया हुआ है, एक्सटेंड बताओ ना, रोल ऑफ इंडिया, कमेंसमेंट बोलो ना, सेक्शन वन केम इन टू फोर्स एट वंस, एक बार में आ गया, एंड रिमेनिंग प्रोविजन ऑन डिफरेंट टाइम्स टू नोटिफिकेशन, जब जब एमसीए ने नोटिफाई किया तब से, एप्लीकेशन कंपनीज कॉमा इंश्योरेंस कंपनीज, अरे दिखा क्या, कॉमा बैंकिंग कंपनी कॉमा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कॉमा रेगुलेटेड बाय स्पेशल एक्ट कॉमा एंटिटीज नोटिफाइड बाय, क्या बताओ ना कितना डूबर है, 6 नहीं नहीं एंटिटीज नोटिफाइड वैसे नहीं है, वो तो एग्जांपल था, टोटल कितना टू एप्लीकेबिलिटी 6 पक्का, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शल अप्लाई टू, ये 6 तो बॉक्स नीचे दिखाई दे रहा है क्या, नंबरिंग है तो 1 2 3 4 5 6 हो गया नंबरिंग, बढ़ रहे हैं, इतना समय लगता है 1 2 3 4 5 6 लिखने में, अरे कहां लिख रहे हो ये, पॉइंट नंबर वन, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, यार कंपनी इनकॉर्पोरेटेड दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ को एक शब्द में बोलो, कंपनी, कंपनी का डेफिनेशन ही है वो, फिर इंश्योरेंस कंपनी, अच्छा ब्रैकेट में देखो इंश्योरेंस कंपनी के क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजन ऑफ द सेड एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 आईआरडी एक्ट 1999, मतलब जब इनकंसिस्टेंट है तब हम लोग का एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, तब उनका होगा, बैंकिंग कंपनी एप्लीकेबल होगा, हाँ होगा, एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजन ऑफ द सेड एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। नेक्स्ट कंपनीज एंगेज इन द सप्लाई ऑफ, क्या बताओ ना, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट वही इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003,
फिर एनी अदर कंपनी गवर्न बाय स्पेशल एक्ट. सर ये फॉर द टाइमिंग इन फोर्स क्या होता है? करंट लॉ. फॉर द टाइमिंग इन फोर्स मतलब होता है करंट लॉ. तो एनी अदर कंपनी गवर्न बाय स्पेशल एक्ट तक आप मार्क करो. फिर सच बॉडी कॉर्पोरेट दिखाई दिया क्या? हाईलाइट करो सच बॉडी कॉर्पोरेट. एससीजी में नोटिफाई, एससीजी में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ. एनी बॉडी कॉर्पोरेट एससीजी में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ. एग्जाम्पल एफसीआई एनएच, एफसीआई एंड एनएच. मक्खन क्या? वहां स्टार मार्क दो. एफसीआई कॉमा एनएचआई में स्टार मार्क दिया क्या? अरे बोलो ना, स्टार मार्क देकर के लिखो कॉपी. स्टार मार्क देकर के लिख दीजिएगा कॉपी. लिखिए कॉपी में पेज का रेफरेंस वगैरह दिया करो मैट का. ये हजार बार बोला जा चुका है लेकिन कुछ लोग जो है एकदम ही मंद बुद्धि टाइप के बच्चे रहते हैं डम्बो. कॉपी में हमेशा लिखोगे तो मैट का पेन नंबर का रेफरेंस हो गया ना, और मैट में कॉपी का पेन नंबर, और कॉपी में मैट का पेन नंबर. लिखो लिखो वहां पर क्वेश्चन वन, क्वेश्चन वन लिखो. कैन द कंपनीज एक्ट 2013, फटाफट लिखो एकदम. कैन द कंपनीज एक्ट 2013 बी एप्लीकेबल ऑन अ नॉन कंपनी? बी एप्लीकेबल ऑन अ नॉन कंपनी? लिखो आंसर में यस. आंसर में लिखो यस. इफ इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाई सीजी, यस. इफ इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाई सीजी, यस. इफ इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाई सीजी, यस. इफ इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाई सीजी, यस. इफ इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाई सीजी. एग्जाम्पल एफसीआई कॉमा एनएचएआई. एग्जाम्पल एफसीआई कॉमा एनएचएआई, एफसीआई कॉमा एनएचएआई. बनवाया. क्वेश्चन टू, क्वेश्चन टू में लिखो इस फॉरेन कंपनी अ कंपनी, इस फॉरेन कंपनी अ कंपनी, इस फॉरेन कंपनी अ कंपनी. लिखो आंसर. एज पर सेक्शन टू ब्रैकेट में 20, एज पर सेक्शन टू ब्रैकेट में 20 यानी क्लॉज 20, एज पर सेक्शन टू ब्रैकेट में 20 कॉमा कंपनी मींस, कंपनी मींस, मींस को अंडरलाइन करके उसके नीचे लिख दो एग्जॉस्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन. एग्जॉस्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन, एग्जॉस्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन. एग्जॉस्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन, एग्जॉस्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव, बिल्कुल एग्जॉस्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन. कंटिन्यू करके लिखो. अब क्या लिखा? कंपनी means a company incorporated under this act, a company incorporated under this act. Company means a company incorporated under this act or under any previous company law.
कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. फुल स्टॉप. पैरा चेंज करके लिखो. एज पर सेक्शन 2 ब्रैकेट में 42 एज पर सेक्शन 2 ब्रैकेट में 42 एज पर सेक्शन 2 ब्रैकेट में 42 कॉमा फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट. फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट. फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट. फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड. फॉरेन कंपनी मीन्स कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस. एंड हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस. एंड हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. एंड हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया आइदर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली. आइदर फिजिकली. चार तरीका था ना. आइदर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली और इटसेल्फ और थ्रू एजेंट. आइदर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली और इटसेल्फ और थ्रू एजेंट. आइदर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली और इटसेल्फ और थ्रू एजेंट. फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली और इटसेल्फ और थ्रू एजेंट. और कंडक्ट एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी. और कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन एनी अदर मैनर. Or conducts any business activity in any other manner. Or conducts any business activity in any other manner. Or conducts any business activity in any other manner. Conducts any business activity in any other manner. Full stop. Para change karke likho. Since foreign company. Since. Foreign company does not satisfy definition of section 2 clause 20. Since foreign company does not satisfy definition of section 2 clause 20. Since foreign company does not satisfy definition of section 2 clause 20. So it cannot be regarded as a company. So it cannot be regarded as a company. संडा क्लॉज घंटी बंद करो अपना. सो इट कैनॉट बी रिगार्डेड एज अ कंपनी. फॉरेन कंपनी सेटिस्फाई नहीं करता ना सेक्शन 2 क्लॉज 20 को. सो इट कैनॉट बी रिगार्डेड एज अ कंपनी. फुल स्टॉप. हाउएवर इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. 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 लिखा. हाउएवर इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. क्वेश्चन 3 में लिखो. क्वेश्चन 3 में लिखो. डिफाइन बॉडी कॉर्पोरेट. डिफाइन बॉडी कॉर्पोरेट. लिखो. एज पर सेक्शन 2 ब्रैकेट में 11 एज पर सेक्शन 2 ब्रैकेट में 11 बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स. बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स. इंक्लूड्स मतलब समझ आ रहा है. ये एग्जॉस्टिव इंक्लूड्स फोन डेलाइन करके लिख दो. ब्रैकेट में लिख दो. नॉट एग्जॉस्टिव. सो इट्स एक्सटेंसिबल. एक्सटेंसिबल मतलब आप इसको बढ़ा सकते हैं. इट कैन बी इंटरप्रेटेड इन अ मच मोर वाइडर फैशन. क्या लिखा. इंक्लूड्स में नॉट एग्जॉस्टिव लिखा. सो इट्स एक्सटेंसिबल लिखे हो. पढ़ो. हाँ क्या लिख रहे हो भाई. बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स फिर ये सब उसके बाद कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया.
बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड. बिल्कुल, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. बट डज नॉट इंक्लूड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी रहता है ना, वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना गया, भले उसका भी परपेचुअल सक्सेशन हो फिर भी. बट डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी को बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि वो बनाया कभी प्रॉफिट इंटेंशन के साथ था नहीं, म्यूचुअल कोऑपरेशन. कोऑपरेशन से ही तो कोऑपरेटिव सोसाइटी शब्द आता है, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाता, फुल स्टॉप. एग्जाम्पल, वेट, एग्जाम्पल मत लिखो, पैरा चेंज करके लिखो. पैरा चेंज करके, एनी एंटिटी हैविंग परपेचुअल सक्सेशन. फटाफट लिखो, एनी एंटिटी हैविंग परपेचुअल सक्सेशन. एनी एंटिटी हैविंग परपेचुअल सक्सेशन कॉमा सेपरेट एंटिटी. एनी एंटिटी हैविंग परपेचुअल सक्सेशन सेपरेट एंटिटी. Right to use common seal. Right to use common seal. Perpetual succession, separate entity. Right to use common seal, comma. Power to acquire, hold, dispose. Power to acquire, hold, dispose. Power to acquire, hold, dispose. Property. Acquire, hold, dispose. Property. Both movable and immobile. Acquire, hold, dispose property, both movable and immobile. Comma, tangible and intangible. Acquire, hold, dispose property, both movable and immobile. Tangible and intangible. Movable and immobile, tangible and intangible. Comma, power to sue and be sued. Power to sue and be sued. पावर टू सीव मतलब केस करना, एंड बी सीव्ड. पावर टू सीव एंड बी सीव्ड इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. पावर टू सीव एंड बी सीव्ड इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फुल स्टॉप. एग्जाम्पल सेबी सीसीआई. एग्जाम्पल सेबी कॉमा सीसीआई कॉमा एफसीआई कॉमा एनएचएआई. सेबी सीसीआई, तो सीसीआई क्या होता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कॉमा एफसीआई कॉमा एनएचएआई एटसेट्रा एटसेट्रा. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये तुमको खुद से अभी सॉल्व करना है. हम नाम लिखेंगे, तुमको बताना है कि ये क्या है, कंपनी है कि फॉरेन कंपनी है कि क्या है. कभी कैडबरी खाए हो, मुंडो खाए हो, डेरी मिल्क खाए होगे, क्रैकल खाए होगे. कैडबरी तो कम नहीं है, वो भी खा ली है. बच्चा मां के सब के बाद दूसरा सब कैडबरी बोलना सीखता है. बट कैडबरी इज द नेम ऑफ अ कंपनी, हाउ कैन यू ईट कैडबरी. हम सुनते बच्चों से चलना कैडबरी खरीदते हैं, डर जाते हैं. इतना अरबों रुपया इनके पास कहां से आया. कैडबरी नहीं खरीदते हो, डेरी मिल्क खरीदते हो, क्रैकल फ्रूट नट सेल्फ खरीदते हो. कैडबरी तो खुद एक कंपनी है. कहां का कंपनी है कैडबरी, अरे फॉरेन का. कहां का फॉरेन का, कहां का है, हा? यूके. हर चीज यूएसए का नहीं है, ये यूके का कंपनी है, लंदन. करे पांच को और एक तो
फटाफट एकदम। ये सात ठो है, तुमको क्या है? ए इधर देखो एक बार, रुक जाओ, वेट। जैसे ये तीन ठो है ना, तुमको टिक लगाना है। RIL सुने हो? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्या ये कंपनी है? फॉरेन कंपनी सर, एक ही हो। ए MAPL बोलो। अरे मेरे बच्चे तो जानते ही हैं MAPL के बारे में। कंपनी है कौन कंपनी? हाँ बोलो ना। पक्का बॉडी कॉर्पोरेट? कैडबरी लिमिटेड कंपनी है? यह सभी भी जो बोल रहे हो उसको अनारकली बना देंगे। अभी बताए थे यूके में खुला हुआ है ये। कंपनी है फॉरेन कंपनी? हाँ, इट इज हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तुम्हारे लिए क्या डेरी मिल्क बाहर से बन करके आता है? यहीं से बनता है, फैक्ट्रिया यहाँ। बॉडी पार्ट तो बेटा सभी है बेटा। ले तेरे लिए मैं एक हैंड दे देता। लास्ट वाला रुक जाओ, लास्ट वाला तुम लोग खुद। हाँ हम छेटो किए, खत्म करो। बीच वाला भर दिया, दिखा नक्की करो। ओके टाइम्स अप। यूनिलीवर यहां का कंपनी नहीं है क्या? यहां उसका बिजनेस है? हाँ, सब्सिडरी खोल रखा है HUL। यूनिलीवर होल्डिंग है और उसका सब्सिडरी है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। जब होल्डिंग सब्सिडरी पढ़ाएंगे तो इसका केस स्टडी हम बताएंगे। कंपनी तो नहीं, कौन कंपनी है? बॉडी कॉर्पोरेट। सभी कंपनी भी नहीं है, कौन कंपनी? लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कहां पर? लंडन, हैविंग शेयर ट्रांसफर ऑफिस इन मुंबई। इनकॉर्पोरेट इंडिया में नहीं हुआ है। हाँ, शेयर ट्रांसफर ऑफिस मुंबई में है ना, तो वो एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी माना जाएगा बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी न्यूयॉर्क में खुला हुआ है बस, कंपनी तो नहीं है। न्यूयॉर्क में खुला हुआ है, कौन कंपनी? बॉडी कॉर्पोरेट है कि नहीं है? अरे कमाल करते हो पंडे जी। बॉडी कॉर्पोरेट तो कोई भी एंटिटी जिसका परपेचुअल सक्सेशन, तो ये कंपनी न्यूयॉर्क वाला है तो उसका भी तो परपेचुअल सक्सेशन होगा, बॉडी कॉर्पोरेट है। क्लियर है क्या दोस्तों? आज का क्लास यहीं तक रखेंगे।